दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंगल फेस एनर्जी मीटर क्या होता है इसके बारे में। ये जो मैं आप लोगों को एनर्जी मीटर दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये एक सिंगल फेस एनर्जी मीटर है, तो इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग बात करेंगे या नॉलेज लेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ें आप लोग मिस कर जाएंगे। ये एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग मिस कर जाएंगे। ठीक है, ये एक एडुकेशनल वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए ये एक सिंगल फेस एनर्जी मीटर है। ठीक है, सिंगल फेस कैसे पता चलता है, मीटर के ऊपर सिंगल फेस लिखा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिंगल फेस कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए एसी सिंगल फेस टू वायर। ठीक है, मतलब एक फेस रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एसी सिंगल फेस टू वायर। ठीक है, तो ये एसी सप्लाई का है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का ये सप्लाई है, एसी सप्लाई से चलता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से ये मीटर चलता है। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है 240 वोल्ट है और हर्ज जो है 50 हर्ज है। ठीक है, और इसका जो रेटिंग है 5 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक है, 5 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर। ठीक है, इसका लिमिट जो है। ठीक है, और इसके बाजू में एक एमसीबी का स्विच है। ठीक है, ये दूसरे यहाँ से सप्लाई दूसरे रूम में जाता है। ठीक है, एनर्जी मीटर से होके। ठीक है, तो अभी ये ऑफ कंडीशन में है स्विच, ये जो लीवर आप लोग देख रहे हो ये ऑफ कंडीशन में है, ऊपर चला देंगे तो ये ऑन कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाला जो डिजिट है ये है रीडिंग है, रीडिंग लिया जाता है इसी के द्वारा, मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है, खर्चा होता है, इसी के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं या हिसाब करते हैं। ठीक है, ये जो नंबर सब लोग देख रहे हो, डिजिट देख रहे हो, इसके जरिए हम लोग कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल फेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर है, और इसका जो वायर है देखिए आप लोग, ये एक सिंगल फेस और ये इसके ऊपर एक कवर है, इसको पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऐसे एक वीडियो, ये कवर से फिक्स किया हुआ है स्क्रू के जरिए, इसको आप लोग अगर ओपन करेंगे तो ये वायर दिखाई देगा, एक आउटपुट रहेगा फेस का, एक इनपुट रहेगा फेस का, और एक आउटपुट एक न्यूट्रल का इनपुट रहेगा। ठीक है, और एक आउटपुट जो रहेगा यहाँ से जो निकलता है टर्मिनल, एक फेस का रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा, इसी तरीके से ये सीरियल वाइज किया गया। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये जो इनपुट, एक इनपुट रहता है, ठीक है, इनपुट जो रहेगा एक फेस का रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा, और एक जो आउटपुट रहेगा वो एक फेस रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर चार, मतलब एक दो तीन चार वायर है, दो इनपुट के लिए है और दो आउटपुट के लिए है। तो सिंगल फेस इसी तरीके से होता है, और सिंगल फेस के एनर्जी मीटर का जो यूनिट होता है वाट, किलो वाट आवर होता है। देखिए यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है KWH, मतलब किलो वाट आवर से इसको मेजर किया जाता है। इसका जो एनर्जी मीटर का जो यूनिट होता है एनर्जी मीटर का, वो किलो वाट आवर होता है, KWH। मतलब हम लोग हर महीने में कितना इलेक्ट्रिक कंजम करता है या खर्चा करता है उसको किलो वाट आवर के जरिए मेजर किया जाता है, किलो वाट आवर, KWH। ठीक है, तो देखिए पूरा वीडियो आप लोग, और ये जो है इंडिकेटर है, एक फेस का इंडिकेटर है, अभी सप्लाई है। ठीक है, ये फेस का इंडिकेटर है और ये अर्थ का है और ये REV और ये कैल है। ठीक है,
मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी की तरीके से आप लोग सिंगल फेस एनर्जी मीटर को पहचान सकते हैं, ऊपर में लिखा भी रहेगा और टर्मिनल ऐसा रहता है, इनपुट दो दो इनपुट के लिए वायर रहता है, दो आउटपुट के लिए वायर रहता है, ठीक है, सिंगल फेस एनर्जी मीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सिंगल फेस एनर्जी मीटर को पहचान सकते हो, सिंगल फेस एनर्जी मीटर। और थ्री फेस एनर्जी मीटर भी रहता है, उसका जो वीडियो है थ्री फेस एनर्जी मीटर का, तो मैं दूसरे दिन और एक वीडियो लाऊंगा थ्री फेस वाला एनर्जी मीटर का, ठीक है। सेम ही एक ही टाइप का है, लेकिन वो थोड़ा अलग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसी वीडियो में मैं थ्री फेस एनर्जी मीटर का भी बात करूंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखा, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। धन्यवाद।